सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आज 1 अगस्त 2022 और मानसून के बादलों के छाव हैं। आज के इस सुहाने से दिन को देखकर एक शेर अदा करता हूँ, इशाद कीजिएगा। देखो क्या नज़ारा है, देखो क्या नज़ारा है, आज मौसम बड़ा सुहाना है। इश्क करने का गुना हमारा है, सीने में जो धड़क रहा ये दिल तुम्हारा है। चलो ले चलते हैं तुम्हें एक सफर पर, अंग्रेजी वाला नहीं हिंदी वाला। देशबंधु कॉलेज जो बसा है कालका माँ के पवित्र आंगन में, 10 एकड़ में फैला ये महाविद्यालय जिसे हमारे कुशल और काबिल प्रोफेसर्स ने नींव दी, जिससे ये अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए उत्तम पर्यावरण दे पाया। पढ़ाई के वातावरण को ध्यान में रखते हुए कॉलेज ने लाइब्रेरी को डिजिटली एनहेंस किया और सबसे वेल मैनेज लाइब्रेरी का खिताब हासिल किया। स्टूडेंट्स और फैकल्टी के रिसर्च के लिए मॉडर्न साइंस लैब्स और आईफो सेंटर्स का निर्माण किया। केवल साइंस ही नहीं, आर्ट्स के क्षेत्र में भी उन्नति पाई। एनसीसी, स्पोर्ट्स, आर्चरी, ताइक्वांडो, वॉलीबॉल और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में सोसाइटीज जैसे फोटोग्राफी सोसाइटी, म्यूजिक सोसाइटी, डांस सोसाइटी, आर्ट सोसाइटी, फिल्म मेकिंग सोसाइटी, डिबेटिंग सोसाइटी और पता नहीं क्या क्या। और ये मैं, खैर ये बताओ चाय पियोगे? सन 1952, देश को आज़ाद हुए 5 वर्ष हो चुके हैं। अब देश को उन्नत बनना है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान व्यर्थ न जाए, इसलिए युवाओं का शिक्षित होना जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश की राजधानी दिल्ली के दक्षिणी भाग कालका जी में एक महाविद्यालय की स्थापना मात्र 72 छात्रों के साथ हो चुकी है। इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना के 30 वर्ष पूरे हो चुके हैं, किंतु साउथ दिल्ली के युवाओं को दिल्ली विश्वविद्यालय के मेन कैंपस तक जाने में बड़ी लंबी यात्रा तय करनी पड़ रही है। बहुत से छात्र अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए साउथ दिल्ली के कालका जी में महान स्वतंत्रता सेनानी एवं सामाजिक कार्यकर्ता लाला देशबंधु गुप्ता जी के नाम पर देशबंधु कॉलेज की स्थापना की गई है। इस कॉलेज के पहले चेयरमैन विश्वविख्यात साइंटिस्ट डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, गीता का प्रख्यात अंश कर्मण्येवाधि का रस्ते महाविद्यालय के ध्येय वाक्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। श्री हरिश्चंद्र कटपालिया जो देशबंधु के पहले प्राचार्य हैं, उनके नेतृत्व में देशबंधु कॉलेज की पत्रिका देश का प्रकाशन प्रारंभ हो गया है। महाविद्यालय में एक पुस्तकालय की भी व्यवस्था की गई है, हालांकि पुस्तकालय सिर्फ अभी एक हॉल में है। 204 छात्र महाविद्यालय के साथ जुड़ गए हैं, साथ ही 2200 किताबें लाइब्रेरी में आ गई हैं। देशबंधु में एक बड़ा बदलाव दिखने लगा है। वर्ष है 1955, हमारा कॉलेज अब विद्युत उपकरणों से परिपूर्ण हो चुका है। श्री आरके सूद जो पुस्तकालय के संचालक हैं, उनके नेतृत्व में पुस्तक मेला का आयोजन सबको आनंदित कर रहा है। और तो और, यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट में देशबंधु पहली बार भाग ले रहा है। इसी तरह कॉलेज की एथलेटिक टीम ने पहली बार इंटर कॉलेज एथलेटिक टूर्नामेंट में भाग लिया, जिसमें नरेंद्र पाल सिंह शॉटपुट में अव्वल रहे। बात करते हैं 1956-57 की। श्री डीएस भाका के मार्गदर्शन में यहां पहला स्टूडेंट यूनियन बन चुका है। अब छात्राओं की संख्या 129 हो गई है। खेल के महत्व को और अधिक व्यापक करते हुए यहाँ फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस की स्थापना की गई है। महाविद्यालय में इस समय फुटबॉल, कबड्डी, नेटबॉल इत्यादि की शुरुआत भी हो चुकी है। सन 1958, अब देशबंधु में एनसीसी के 2 विंग, आर्मी और नेवी की शुरुआत हो गई है। देशबंधु को एक नया ब्लॉक न्यू साइंस ब्लॉक के रूप में मिल गया है। इसी वर्ष सर्दियों में नौसेना वार्षिक प्रशिक्षण केंद्र कोलावा बॉम्बे में आयोजित किया जाता है, जिसमें देशबंधु के कैडेट्स बेहतर प्रदर्शन करके ढेर सारी उपाधियां प्राप्त करते हैं। सन 1960, अब देशबंधु इतनी प्रगति कर चुका है कि प्रोजेक्ट इंडिया स्कीम के तहत
यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से भारत आए हुए छात्र देशबंधु भी आते हैं। इतना ही नहीं, अब कॉलेज में कई डिपार्टमेंट्स की अपनी अपनी सोसाइटी भी बन गई है। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि इसी वर्ष नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल आरडी कटारी को देशबंधु के कैडेट्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समय बड़ा खराब आया, भारत और चीन का युद्ध छिड़ चुका है। साल है 1962। सेना में सैनिकों की पूर्ति के लिए एनसीसी में भर्ती अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही साथ गर्ल्स कैडेट्स को भी स्वास्थ्य विभाग में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी वर्ष संत प्रकाश ने टोक्यो ओलंपिक में ओलंपिक मशाल जलाकर देशबंधु का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। अब बात करते हैं 1966 की। यह एक ऐसा साल है जब देशबंधु में उपलब्धियों की बारिश हो रही है। एनसीसी के 100 स्क्वाड और 70 स्क्वाड को गणतंत्र दिवस के दिन परेड करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह वर्ष इस महाविद्यालय के लिए इतना भाग्यशाली है कि 7 कैडेट्स राजपथ पर 26 जनवरी की परेड में शामिल हुए हैं। 1968 एक ऐसा साल आता है जब देशबंधु के एक छात्र रघुवीर सिंह बग्गा ने 101 देशों का साइकिल से दिलचस्प और रोमांचक सफर किया और प्रेम और शांति का संदेश दिया। देशबंधु राष्ट्रीय सेवा योजना मतलब NSS के साथ जुड़ गया है। साल 1974 पहली बार देशबंधु के एनसीसी कैडेट राजपथ कंटिजेंट के लिए चुने गए हैं। इस समारोह में श्री MB माथुर को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। और देखते देखते बीत गई एक सदी। इस दौरान देश के साथ साथ देशबंधु भी तरक्की कर रहा है और तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। तकनीकी क्षेत्र में बड़े बदलाव आने से चिट्ठी की जगह ईमेल, डिस्क की जगह डेस्कटॉप आदि नई बातें देखने को मिल रही हैं। इन आधुनिक तकनीकी उपलब्धियों को प्राप्त करने के बाद देशबंधु समय के साथ खड़ा है। कुछ ऐसी थी देशबंधु कॉलेज की नींव। बुलंद है इस महाविद्यालय की दीवारें जो बनी है मजबूत इरादों के चट्टानों से। अरे नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। खैर एक बात बताओ, तुम्हें कॉफी पसंद है?
पर मुझे लग रहा है देख लिया क्योंकि हम लोग जब कूदे ना चल बढ़िया है बाकी सब कैंटीन कैंटीन मस्त मौसम हो रहा है हम चल रहे चल जल्दी ठीक है सही करा यार वो बंदर क्या ही करेंगे कैसा भाई भाई बढ़िया एग्जाम्स आ रहे भाई पढ़ा नहीं कुछ भी ये तो छोड़ पहले तो ऑनलाइन होते थे तो ऑफलाइन है भाई यार ऑनलाइन में तो हो जाता था तू अभी तो छोड़ ले यार कोविड से पहले भी तो लोग पेपर देते थे हम उनकी तरह चल यार सब छोड़ चलते यहाँ से चलते हैं भाई ठीक है क्या करें यार टेंशन हो रही है यार नेक्स्ट टाइम से ना पढ़ाई करनी चालू करनी है बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा भाई अब तो ये सोच पहले के बच्चे कैसे किया करते थे यार पहले का हो जाता था सब लोग का फ्लो बना हुआ था हमने कब से एग्जाम्स ही नहीं दिए वही तो चार साल हो गए कोविड के चक्कर में अब तो पढ़ाई होती नहीं है डेडिकेशन चली गई है यार अब कितने कौन बैठता है इतनी देर देर तक वही कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते हम वही बात है यार तू वो सब छोड़ ये सोच कि ये कॉलेज पहले कैसा हुआ करता था ये बात भी है चलिए यही तक था हमारा सफर विदा लेना चाहेंगे अब आपसे क्योंकि कुछ सपने पूरे करने हैं कुछ मंजिलों से मिलना है अभी तो सफर शुरू हुआ है अभी तो मुझे बहुत दूर तक चलना है और हाँ एक आखिरी बात तालियां